चुनावों के बीच बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरे उत्तर भारत में राजपूतों का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। यूपी और गुजरात के बाद अब हरियाणा में भी राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ खुलकर सड़क पर आ गया है। हरियाणा में बीजेपी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में लगातार राजपूतों का अपमान ही किया जा रहा है। तो कैसे अब हरियाणा में भी बीजेपी से नाराज हुए राजपूत, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। राजपूतों के प्रदर्शन की आग अब गुजरात के बाद हरियाणा में भी पहुंच चुकी है। बीजेपी के खिलाफ राजपूतों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजपूतों का आरोप है कि बीजेपी में उनका बार बार अपमान किया जा रहा है। इसे लेकर अब हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता और करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी में राजपूतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और क्षत्रिय समुदाय का अपमान करने वाले व्यक्ति को पार्टी ने लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बना दिया है। सूरजपाल ने अपने इस्तीफे में लिखा कि साल 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्षत्रिय समुदाय का प्रतिनिधित्व भी लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ तक कि प्रमुख समुदाय के बड़े नेताओं को पार्टी में हाशिए पर डाल दिया गया है या फिर उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। सूरजपाल का आरोप है कि पार्टी ने उस शख्स को टिकट दिया है जिसने क्षत्रिय माताओं और बहनों के चरित्र पर शर्मनाक टिप्पणी की है। उसे पूरे देश के क्षत्रिय समुदाय का अपमान माना जा रहा है। बता दें कि सूरजपाल अमू साल 2018 में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के खिलाफ तीखे विरोध प्रदर्शन के कारण चर्चा में आए थे, जिसने कथित तौर पर राजपूत समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। डीवी लाइव की रिपोर्ट।